था, फिर मैं रिको, तो वो रुका तो नहीं ना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डाटा अप करते हैं, तो जब हम यहाँ पे किलते हैं करते हैं तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन खुल जाता है, एक और भी ऑप्शन खुल जाता है यहाँ पर, ये नंबर वगैरह दिखाता है इसका, इसको सेंटर में चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, सब है फॉर्मेटिंग पर डिपेंड करता है कि हमें कैसे करना लेबल पोजीशन, चाहिए। अच्छा इसको लेबल बोलते हैं। हाँ नहीं, लेवल तो डाटा लेवल इसको बोलते हैं जो आता है हाँ जी, डाटा, हाँ जी, जी लेकिन इसको हमें कैसे एडजस्ट करना, जी राइट लेफ्ट सेंटर, फिर उसके बाद नंबर आ जाता है, तो नंबर का जो फॉर्मेटिंग जो हम लोग पढ़े थे एक्सेल में, जी तो वो सब भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई राइट सर, कस्टम करके कुछ जोड़ना है तो सब हम जोड़ सकते हैं। जी ओवरलैपिंग हो गया डाटा, सो एक्शन सीरीज पर, और ये तो हम जो जोड़ ही सकते हैं डाटा। आप जैसे यहाँ पे डाटा है टाइम का, ठीक है, जी तो अगर मैं इस टाइम का अगर चार्ट बनाऊं, तो इस टाइप का बनेगा, जी लेकिन इसमें और अगर मैं यहाँ पे डाटा लेबल दूं तो ये इस फॉर्मेट में दिखाएगा। अच्छा, ये तो दिखा दिया, कभी कभी ये नहीं दिखाता है, ये नंबर में दिखाता है, तो हम यहाँ पे करके फॉर्मेट डाटा लेबल में जाके यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, या फिर इस नंबर में जाके हम यहां से डेट वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, अच्छा, तो सॉरी यहाँ भी हम वो यूज कर सकते हैं, एवरेज एवरेज, मैक्स मिनिमम ऐसे दिखा सकते हैं, नहीं, वो कैसे वो होगा, नहीं दिखा नहीं सकते। नहीं नहीं अच्छा राइट, तो यहां से हम टाइम का फॉर्मेटिंग हम लोग यहां से दिखा सकते हैं। अच्छा ठीक है जी, तो इस टाइप से हम करते हैं नंबर ऑफ फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट में, वहीं से टाइम फॉर्मेट में हम लोग ने जैसे एक्सेल जो स्टार्टिंग में पढ़े थे, जो ये सारे था ऑप्शन, जी, इसी सबको तो वहां पे दिखा रहा। एक होता है ये ट्रेंड लाइन, होता है ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन जैसे अगर ये डाटा है और मैं यहाँ पे रखूं और अगर चार्ट बनाऊं, अगर चार्ट ये बन गया तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आता, ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्लिक करूं, एन एड ट्रेंड लाइन, हाँ, ये किस पे क्लिक करने पे, चार्ट बॉडी पे क्लिक करने पे है, ये बार पर बार पे क्लिक करने के लिए। अच्छा तो ठीक है ये एक दिखाता है कि किस तरह से वो घूम रहा है, और इसका अगर जी, फॉर्मेटिंग में इसमें एक लाइनिंग दिखाता है, लाइनिंग नहीं दिखा रहा है, इसमें एक लाइन दिखाता है, अगर मैं इस पर क्लिक कर, हाँ अब आ गया ना, देखिए ये दिखा रहा है ना कि एक कैसा जगह, अब देखिए यहाँ पर दो है ना, एक को दो, अगर इसको घटाना बढ़ाना है तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, लाइन चाहिए किस टाइप से चाहिए, देख रहे हैं जी, उस टाइप से हमें चाहिए, तो उस टाइप से हम ये सब कर सकते हैं। फिर इस लाइन का भी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं कि लाइन जो है ये हमारा मोटा हो, हाँ ठीक पतला हो हो, या थिन हो, हाँ राइट हाँ हो, हाँ जैसे ये है, तो हम इसका भी फॉर्मेटिंग, तो ये हमारे ख्याल से इसी सब में होगा कहीं पे, लाइन का कलर है तो ये कलर हमने लाल कर दिया था, अभी आ गया लाल, जी तो इसी टाइप से हम सब कुछ अपना देखिए है ना, तो ये सब हम चूज कर सकते हैं, इसका विड्थ चाहिए, बस इसमें चार्ट में तो यही है मैनली, जो जो भी करना है फॉर फॉर
फॉर्मेटिंग, उस पर क्लिक कीजिए, जो भी ऑप्शन है अपना चूज चूज कीजिए। तो ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन दिखाता है। अगर इसका कलर चेंज करना है तो इसका तो सिंपल है, यहाँ से जाके हम लोग लाल लेना है, ब्लू लेना है, जो भी लेना है कलर, यहाँ पर सॉलिड पर जाके अपना जो भी कलर चूज करना है कलर चूज कर सकते हो। इसमें बस प्राइमरी और सेकेंडरी आएगा राइट ना? हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी दो होता है। अच्छा अच्छा वी कैन कंपेयर डाटा सेट, ये वही है। ठीक है, इसके कुछ और ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पे जैसे इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये प्राइमरी एक्सिस, यहाँ जो होगा सेकेंडरी एक्सिस, ये हो गया चार्ट बार, ये हो गया चार्ट टाइटल, ये हो गया लेवल, ये हो गया ग्रिड लाइंस। इसके अलावा यहाँ पे lines, अच्छा, ये हो गया सेकेंडरी एक्सिस, ये हो गया प्राइमरी एक्सिस। फॉर्मेटिंग जिसको करना है उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए तो भी यहाँ आ जाता है, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वन दबा दीजिए तो ये ऑप्शन आ जाता है। वरना अगर ये नहीं आता है तो हमें सब कुछ यहाँ से भी तो सब कुछ मिल रहा है। हाँ, कंट्रोल वन से फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। हाँ, कंट्रोल वन से जब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल वन से ये चीज यहाँ पे कंट्रोल वन से ये आ जाएगा आपका। पिवट में भी तो ऐसे ही होता है ना? पाइवट में तो मैंने देखा हूँ, पाइवट चार्ट में होता नहीं, होगा। पिवट में देखा था, अभी कोई एनालिटिक टीम थी मेरे साथ, अच्छा तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि कंट्रोल वन कीजिए, अच्छा अच्छा तो तो हो उसमें सकता फॉर्मेटिंग शुरू हो गई, हाँ, तभी तो मुझे याद आया। वहाँ भी हो सकती है। और एक मैंने F4 के बारे में बताया था लास्ट फॉर्मेटिंग के लिए आपको, नहीं, मुझे याद नहीं है। नहीं है? जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसको हमने ये कर दिया ना ब्लू, और यहाँ पर क्लिक करके अगर इसके बाद अगर आप कोई एक्शन करते हो, अगर मैं लास्ट एक्शन मैंने इसको किया है ना कलर, जी अगर जी जी कहीं कहीं पर जाके आप F4 करते हो तो उस लास्ट एक्शन को याद रखता है वो। अच्छे ला F4 राइट। लास्ट एक्शन मैंने फॉर्मेटिंग के लिए बस, जैसे जी जी डिलीट डिलीट वगैरह कर रहे हैं उसके लिए नहीं, जी तो इस टाइप से डिलीट वाला के तो नहीं करना चाहिए। ऐसे यहाँ पे जाकर डिलीट किया, हाँ इसको भी कर रहा है, अच्छा, डिलीट भी कर रहा है, हाँ डिलीट भी कर रहा, मतलब लास्ट जो एक्शन है वो रिपीट कर देता है। हाँ रिपीट कर देता। लेकिन 1 सेकेंड, रो कॉलम पर काम करेगा क्या? अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया और कर्सर यहाँ पे जी लगा F4 किया, हाँ कर रहा है, इस पर भी काम कर रहा अच्छा, है। तो ये भी चीज ऑल्ट एफ फोर अभी है ना? सिर्फ F4, ओनली F4, F4, अच्छा ठीक है। ओनली F4। तो इस टाइप से होगा, ये सब है। आल्सो चेंज द टाइप फॉर्मेटिंग, इस सेलेक्ट बारे तो दो दिखाएगा ही, एक ये होता है बाउंडिंग होता है यूनिट। बाउंडिंग यूनिट क्या होता है, अगर मैं इस डाटा को ले जाऊं यहाँ पर और मैं चार्ट बनाऊं, तो जो ये वैल्यू होता है ना, जी हम लोग इसको भी यहाँ पर अगर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गया। तो ये जी एक्सेस ऑप्शन, ये है ना बाउंडिंग, ये है ना 10 का, तो 100 है ना, इसको मैंने कर दिया 500, तो ये ऐसे हो जाएगा ओके। अच्छा, ये। और 500, यूनिट्स जो है वहां पे हम नीचे यूनिट मेंशन कर रहे हैं, यूनिट्स में हाँ तो हम ये यहाँ पे, फिफ्टी फिफ्टी की यूनिट्स ले रहा है। हाँ तो यहाँ 50-50 लेना है। अब हमें 100-100 करना है, तो देखिए कि 100-100 कर दिया। जी उसके अलावा एक है माइनर, जी तो ये माइनर क्या करता है, माइनर इसको मैं अगर उसमें बताऊं, पेंट में बताऊं, कुछ इस टाइप से होता है, जो हम लोग ऐसे होता है ना, तो एक ये भी तो नहीं दिखाता है जैसे थर्मामीटर में दिखाता है, उसके बाद जी जी एक लाइन ऐसे हो जाता जी है, ऐसे होता है ना, जी तो एक इस उसको भी ये यहाँ पर ये दिखाता है,
इसको मैंने वापस 100 कर दिया, सॉरी, और ठीक है वो यूनिट चेंज कर दिया, यहाँ पे 20-20 का कर दिया। और अगर मैं उस चीज को आपको दिखाऊं तो इसको लिया और मैंने यहाँ पर गया एक्सिस ऑप्शन में, और एक तो है ये डिस्प्ले यूनिट, इसको अगर आपको 1000, 1000, 1000,000 किस में दिखाना है इस चीज को भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, ठीक है। और वो जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें टिक आता है, सॉरी माइनर नहीं, माइनर नहीं, टिक मार्क आता है, है ना, ये नहीं, वो शेयरिंग आपकी ऑफ हो गई, शेयरिंग ऑफ हो गई जी। नहीं, स्क्रीन तो स्क्रीन शेयर नहीं, वापस करना पड़ेगा शायद जी, अब दिख रहा है। तो यहाँ पे जो टिक होता है ना, इसको जूम करेंगे तब दिखाएगा, और ये मैंने कर दिया इनसाइड, और इसका लेवल मैंने ले लिया 4 का है। इसको दिखाएंगे कैसे, एक कैसे देखिए, ये आ रहा है, ये जी ये आ रहा है, तो आ गया। हाँ, तो बस ये इसी टिक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज हम लोग यहां से नहीं, बट 4 से क्या मतलब है? आप इसको 10 करके देखो माइनर को, ये ऑटो होता है ये। तो अभी मैंने इसको लिया था इनसाइड, तो ये इनसाइड, तो ये 4 की बात कर रहे हो, तो जी हाँ, ये माइनर जो है, ये इसमें 2 ऑप्शन, एक इसके अंदर भी कर सकते हैं ना, ये उसका होगा। 5 किया, अब रुकिए एक सेकेंड, देखिए एक तो हो गया ए, एक इसके बीच में भी तो हम कर सकते हैं ना जी। जी, तो अगर उसको दिख रहा है कुछ, दिखते हैं सारा, सॉरी ये तो बड़ा आएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो अगर हमने यहाँ पर गया और माइनर को कहते हैं मैंने आउटसाइड, तो ये आ गया ये, रिक्वायरमेंट होगी तो बंदा तो जाएगा ना, लेकिन ये भी चीज है, मतलब उन्होंने फैसिलिटी दे तो रखी है जी। जी, तो चीज ये भी होती है, जो मैंने इसको अभी बताया था लाइन में लेके, जी जी समझ गए, तो इस टाइप टिक एंड माइनर। हाँ, तो इसमें यही है कि हम लोग चार्ट में थोड़ा फॉर्मेटिंग जैसा करेंगे, तो ये यही है बॉन्ड्स के, एक बार हाँ, ये प्राइम और सेकेंडरी के साथ एक बार कोई और हम ले सकते हैं डेटा सेकेंडरी के साथ। अभी मुझे कुछ और डाटा लेने दो, फिर आपको हम देखते हैं क्यों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, नहीं ठीक है, फिर कुछ ठीक है। अब ये जैसे इस तरह से हमारा चार्ट है, जैसे ऑल चार्ट नॉट अवेलेबल और ऑल वर्जन, ये तो है कि जैसे जैसे वर्जन चेंज करता है तो यहाँ वो कुछ ना कुछ माइक्रोसॉफ्ट चेंज करता है, जैसे ये जो है रेकमेंड चार्ट है, ये 2013 के बाद आया था, 13 से आया, यहाँ पे कुछ फनल चार्ट और वो वाटरफॉल चार्ट वगैरह हम लोग पहले ऐसे बनाते थे, अब वो 19 में जोड़ दिया है, 19 में इसी ऑप्शन में जोड़ दिया कि जैसे ही आप लोगे डाटा तो अपने आप जोड़ देगा, बना देगा जी। तो वो जैसे जैसे वर्जन चेंज कर रहा है, वो कर रहा है एक्सेल एडवांस करता जाता है। हाँ, एक्सेल प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट सूट योर पर्पस बेस्ड ऑन डाटा, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट होता है, तो इसका हम लोग एक एक करके थोड़ा बहुत बनाएंगे एक्सेस। एक तो ये हो गया, अगर मैं इसके दूसरे पार्ट में जाऊं, हाँ वही अल्ट F1 से आता है ना जी, ये पार्ट तो ये भी पार्ट उसी से मिलता जुलता है, भी वही है, तो ये सब चार्ट का ही है, जैसे इस टाइप से डाटा है, तो
आपको अब देखिए आप इसी चैट के ये भी डाटा बना हुआ, इसी चैट का ये भी डाटा बना हुआ, तो आपको इसमें कौन सा अच्छा लगता है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ये तो डाटा टू डाटा भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से बनाएं। जी, तो ये बट इसमें दिखा कहाँ रहा है? इसमें दिखाइए जरा, ऊपर वाले चार्ट में, इसमें इसमें टोटल डाइड और न्यू डाइड कहाँ पे दिखा रहा है? दूसरे वाले में, दूसरे, हाँ इसमें नहीं, उस उधर वाले में, इसमें इसमें तो शायद दिखा रहा है। हाँ जी, यहाँ पे नहीं जा रहा, यहाँ पे हमने दो बार रेशियो को यहाँ जोड़ रखा है, अच्छा यहाँ पे हमने दो बार जोड़ा हुआ है, तो इसलिए ऐसे हो रहा है। इसमें मैंने एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे मैंने दो बार डाटा जोड़ जोड़ दिया था, इसलिए दिखा रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, कहीं पे जाके हम चालीस चार्ट और छत्तीस ठीक देखिए है। दे, देखिए जैसे मैं बनाता हूँ इसको, मैंने यहाँ पे गया और पहले मैं इतने का बनाया, यहाँ पे गया और एक लाइन चार्ट मैंने खींच दिया, क्लियर। जी अब यहाँ पे जाके मैंने किया एड डाटा लेवल, आ गया ये। जी अब इसी में डाटा लेवल में मुझे एक और डाटा जोड़ना है, तो सेलेक्ट डाटा और अगर करके मैंने एडिट करके, एडिट से होगा या यहाँ से होगा, यहाँ पे जाके और मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है, तो वो तो आया नहीं, जी ये तो दूसरा वाला दिखा दिया, तो ये पहला वाला, सॉरी सॉरी, मैंने तो उसी रेंज को ले लिया, मैंने सेलेक्ट डाटा में दूसरा क्यों नहीं आया, अच्छा दूसरा यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, दूसरा नीचे आ गया, तो उसको एड लेबल्स। पहले तो एड लेबल्स नहीं, नजर तो आएगा ना। ये नहीं, ये तो नीचे जाएगा ना, इसको तो हमें इसके साथ ही है ना जोड़ जी जोड़ना, हमें तो इसको जी इसके साथ ही जोड़ना, तो यहाँ पे किधर से आएगा एक ऑप्शन जिसमें हम, वहां से नहीं होगा, इधर से ही होगा, फॉर्मेट डाटा सीरीज, एक तो ये है, सेकेंडरी नहीं यहाँ पे आने रहा, हाईलाइट नहीं हो रहा, यहाँ पे एक और जोड़ेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, हमको इसके साथ ही है जुड़ना, यहाँ पर देखिए ना, इसके साथ ही जुड़ रहा है, ये जो जुड़ा है इसके साथ ही जी बन रहा है ये, हाँ जी हाँ, तो वो कैसे आया इसमें? वही, फॉर्मेट डाटा सीरीज, यहाँ पे दो रेंज, एक तो यहाँ पे लिया हुआ है, ये रेंज इसका हो गया ठीक है, और यहाँ पर गया ये रेंज इसका हो गया, तो दूसरा वाला का तो यहाँ पे दिखाई नहीं रहा, लेकिन ये आएगा तो जरूर, ये कहीं से तो आया है, कहीं से तो मैंने जोड़ा तो है, ये कहीं जी से जुड़ने, मुझे मुझे एक बार ना देखना पड़ेगा कि मुझे इसको नोट नहीं कर नहीं, रखा, देख मैंने लीजिएगा। हाँ अब ठीक मैं है है जी दी है प्रोसेस, क्योंकि और भी पीछे के तो पहले इसको तो मैं कल चेक करके बता दूंगा। इसको मैं अभी नोट करके देखूंगा, बाकी ये सब वही दिखा रहा कि कौन कौन सा पार्ट है, चार्ट एरिया, इसको मैंने हिंदी में भी अपना नोट करके रखा हुआ है जो मैंने अदर सोर्स से मिला हुआ है।
हाँ एक और चीज होता है, जब ये हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं, सॉरी जब चार्ट बनाते हैं ना, तो जब जी चार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो एक सीरीज यहाँ पे, तो एक सीरीज का ये फॉर्मूला बन जाता ठीक है है, फॉर्मूला बार पर। जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 5/2, तो यहाँ पर भी तो एक फॉर्मूला दिखाता है ना, तो सीरीज पर जी एक फॉर्मूला, तो उसका पार्ट ये होता है, फर्स्ट में सीरीज नाम, फिर एक्सेस लेवल, तो जो होता है पहला वो होता है चार्ट, चार्ट का होता है टाइटल, जो पहला होता है ये चार्ट का टाइटल, जी उसके बाद होता है एक्सिस लेवल, उसके बाद सीरीज वैल्यू। तो ये हम ठीक है यहाँ पे बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे जब हम करते हैं सेलेक्ट डाटा, तो जब एडिट कीजिएगा तो ये होगा ना सीरीज का नाम, ये हो गया चार्ट टाइटल, और ये हो गया सीरीज जी वैल्यू, जी और ये इस साइड होता है, ये होता है एक्सिस टेबल रेंज। तो इसी तीन पार्ट से ये बनता है सीरीज। तो जो राइट सीरीज में लास्ट में जो वन है, ये तो हो गया तीन पार्ट, जी ठीक 1, 2, 3, ये हो गया है ठीक सीरीज नेम, एक्सिस लेवल और सीरीज वैल्यू। जो वन है है जी ये फर्स्ट के लिए, अगर हम यहाँ पे एक और लाइन जोड़ते हैं तो उसके लिए फिर ये एक एक रहेगा, इसके लिए, उसके लिए सब कुछ वही रहेगा, और दो हो जाएगा उसमें। नहीं समझे? जी नहीं एक बार दोबारा से बताइए देखिए अब जैसे यहाँ पे है ना, जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो वन है जी यानी और इसके लिए दो है। दूसरा वाला टारगेट है हाँ दूसरा टाइप, तो ये हम जो भी लाइन जोड़ेंगे उसके पहला सीरीज, दूसरा, तीसरा, ये जुड़ता जाएगा। वैसे खास कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन हम ये जानते हैं कि, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम चार्ट बनाते हैं तो इसमें एक सीरीज का भी फॉर्मूला बन जाता जी। है, इस तरह से चार्ट नहीं समझ में आ का। गया, एक बार नीचे वाला दिखाइए जो आप दिखा रहे थे, देखिए कहाँ पे वो तीन वैल्यू। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर जैसे नहीं नहीं यहाँ वो पे, वाला जहाँ कंपेयर हो रहा था, नीचे वाला, ये वाला नहीं था, ये वाला। जब जी फर्स्ट जी वाला पर क्लिक करते हैं तो वन है, जी तो और सेकंड वाला पर क्लिक कर रहा हूं तो टू है। यहाँ पे लेकिन अभी एक चीज समझिए, यहाँ पे हमारे पास तीन रो हैं, मंथ, सेल्स एंड टारगेट। इन तीनों को इसने प्राइमरी में ले लिया। नहीं, ये केवल इसी दो वेल्यू के लिए होगा, 1, 2। अच्छा नहीं नहीं तो इसी लेकिन जो हमारा चार्ट बनाया ना वो तो इन तीनों रोज को मिला के बनाया ना चार्ट। हाँ, वो तो बनेगा ही, वो तो बनेगा। जी, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे टारगेट के नीचे आप कुछ और भी ले लो, हाँ क्या ले सकते हो, एक सेल्स हो गया, टारगेट हो गया और फ्यूचर सेल। तो वो तो आ जाएगा, वो तो वैल्यू आ जाएगा। हाँ वो कैसे दिखाएगा, बस वही देखना। जी, मेरे को यही समझना था कि ये जो आते हैं ये कैसे आ रहे हैं। जी अब जैसे यहां पर मैं गया, एक इसमें मैंने इस चार्ट पर गया और मैंने यहाँ पे एक और रेंज जोड़ रहा हूँ, तो सेलेक्ट डाटा कर दिया और जी यहाँ पे है ना टारगेट, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, तो इसके बगल में जुड़ जाएगा एक और, नहीं जुड़ा, हाँ वही तो नहीं एक मेरे सेकेंड, हिसाब से चेंज सोर्स करने से होगा ये। नहीं यहाँ पे तो ये तो बात तो वही होती है। अगर अगर मैंने यहाँ पर किया और सेलेक्ट डाटा, आ तो रहा है ये, बट शो नहीं कर रहा ना। लेकिन ये दिखा क्यों रहा? अगर एडिट करूंगा तो नहीं, सीरीज वैल्यू कहाँ लिया मैंने, इसको नाम में ले लिया है, गलत है, हमको इसको इसमें लेना है। अब दिखाएगा ये, जी अब आ गए अरे राइट अब देखिए ये फर्स्ट वाला का 1 है, सेकंड जी वाला के लिए 2 है और इसके लिए जी 3 आ गए, और यहाँ जो खाली है, क्योंकि हमने इसमें चार टाइटल वगैरह नहीं लिया है क्योंकि वो पीछे सारा है, इसलिए खाली। जी जी बिल्कुल। तो फर्स्ट सीरीज जो है हमारी, जो फर्स्ट रो है उसको क्या लेता है ये, क्या समझता है उसको, फर्स्ट नहीं ये मंथ कि को, मंथ को क्या समझता है, मंथ मंथ तो ये आएगा, ये आ गया नीचे। इसका हो गया एक्स एक्सिस, एक्सिस ऐसे होगा ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही वैल्यू मंथ होगा इसका एक्स एक्सिस और को, फिर वैल्यू ये को वो, वैल्यूज लेगा सारी। हाँ वैल्यू को इसी में लेता है, हम चेंज
कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर दिखेगा नहीं डाटा, ठीक से नहीं दिखेगा। लेकिन इसी अब को एक काम कीजिए, हाँ एक काम कीजिए, अगर इसको अगर आप देखिए एक सेकंड मैं एक बार बता दूं, अगर इसको आपने बार चार्ट में कर दिया बार में, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये विजिबल नहीं है, ये आप ये मंथ ऐसे ऐसे चलेगा तो ये इतना अच्छा नहीं दिख पा रहा, अच्छा नहीं है जी, अच्छा नहीं। नहीं मैं आपको वापस एक बार जाके ना सेल को आप 200 कर दीजिए, यस ये देखा आपने कि 200 होते ही इसका रेंज बढ़ गया, फ्यूचर सेल 215 है, क्या चीज ये अपने आप बढ़ा है, हमने बढ़ाया नहीं, नहीं ये तो अपने आप बढ़ेगा, वो तो लेगा ही ना रेंज तो लेगा ही, नहीं वो ठीक है, आप एक बार सेल को 250 कीजिए या 300 कर दीजिए, वो अपने आप हाँ, अपने बढ़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा क्यों लेता है, 400 क्यों लेता है? तो भाई एक चीज बताइए, अब वो तो उम्मीद करता है ना कि एक रेंज बढ़ेगा, मैक्सिमम कैसे लेगा? अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब हमेशा उस रेंज से ऊपर लेके चलता है, हाँ एक उम्मीद भी तो करता है ना कि एक डाटा एक रेंज हो कि जैसे 200-250 से 400 मैक्सिमम है, तो वो तो उम्मीद करता है कि 400 नहीं होगा, ये तो 500 होगा या 600 होगा, तो एक वो उम्मीद लेके चलता। अब चार्ट हमेशा ये आप कह रहे हो कि हमेशा लास्ट में ही दिखे, तो हम इसको मैनुअल तो कर सकते हैं ना, अगर हमने इसको यहां से करना होगा मैक्सिमम, तो यहां पे हम तो रोक तो सकते हैं, हाँ यहां तो हम रोक तो सकते हैं ना, इसको हम रोक सकते हैं अपने से रोक, बेसिक क्या है कि जो अंदर डाटा दिखेगा वो जो रोज है उसमें डाटा दिखेगा, जो नेक्स्ट रोड है 1, 2, 3 सेल्स टारगेट एंड फ्यूचर, जो फर्स्ट रो है वो है इसका एक्स एक्सिस, अब ये क्लियर हो गया ठीक है। अच्छा अभी तो ये हमें दिखा रहा है, हम इस पे लेबल्स भी लगा सकते हैं ना, जैसे आपने बताया था किसी पे भी एक क्लिक क्लिक करके आप लेबल लेवल पे डाल, हाँ यहाँ पे हम क्लिक करके ऐड लेवल कर सकते हैं, इसके अलावा इसका कॉल आउट भी है, तो उसका जो नाम है वो नाम भी आ सकता है लेवल के साथ, ये जो इसका लेवल इसके साथ एक कॉल आउट भी तो होता है। अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है कि एक ही जी एन इसको एड डाटा लेवल और फिर नहीं कॉल आउट आ क्यों रहा है, दोनों साथ क्यों आ रहा है, हम यहाँ पे कॉल आउट भी दिखाते हैं ना, ऐसे ही दिखाएगा नंबर और मंथ के नाम भी ऐसे दिखा देता है, राइट राइट, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा क्योंकि हमारे पास वैल्यू एक से ज्यादा है। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या एक ही क्या बोलते हैं इसको, सेल बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, इसको कोई एक हाँ इसको क्या बोलते हैं, बार बीआर बार बार, क्या एक बार को तीन डाटा में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना तीन डाटा, नहीं आप इसको तीन पार्ट कर सकते नहीं, ये तो एक ही वैल्यू नहीं कर सकते, ये तो एक ही वैल्यू कर पाई कर, इतना नहीं मुझे इतना तो मुझे आइडिया नहीं, मुश्किल है फिर नहीं नहीं ठीक है, दिखेगा कैसे वो, फिर वो देखिए मैं तो सिर्फ सोच रहा हूँ, दिखेगा कैसे पॉसिबल है नहीं तो वैसे आप कस्टम फॉर्मेटिंग या कुछ और करके करेंगे तो कुछ और शायद जोड़ तोड़ के लिए कुछ हो सकता है ऐसा, लेकिन फिर इसको हम कौन सा वैल्यू इसमें हम दिखाएंगे, आप कह रहे हैं कि ये जो तीन वैल्यू है ये तीन वैल्यू एक ही में आ जाए जी, मैंने आप कह रहे हैं कि जो जॉइन के लिए ये तीनों वैल्यू एक बार में ही आ जाए, ऐसे बोल रहे हैं एक ही बार में आ जाए जी जी, मुश्किल है इसे, फिर उसमें दिखेगा कैसे, हाँ वही तो शायद ना भी दिखे या दो वैल्यूज आ जाए टारगेट और एक्चुअल आ जाए, नहीं तो अगर यहाँ पे जो स्पार्क लिंक है इससे होगा नहीं, स्पार्क लिंक भी तो एक सेल में ही दिखाएगा, नहीं स्पार्क लिंक भी एक बार बताना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ये है हाँ, तो ये तो मैंने बता ही दिया कि चार्ट यहाँ से इंसर्ट करते हैं ब्लैंक लेके जी, वही एक जो तीन वैल्यू होते हैं सीरीज वैल्यू सीरीज नेम सीरीज वैल्यू कैटेगरी, तो अगर ये डाटा है तो इसको ये आ जाता है कैटेगरी में, ये आ जाता है सीरीज नेम, ये होता है सीरीज वैल्यू जी यहाँ पे होते हैं ना तीन, व्हेन वी फर्स्ट एज नंबर इट
एक होता है कभी कभी, जैसे ये चार्ट है ना, इस जी चार्ट को जैसे हमने यहाँ पे जाके डाटा डाला और जी इसको हम चार्ट बनाते हैं तो ये इश्यू आता है, इस ये जो नंबर है ना इसको नहीं उठाता है, 1 2 3 कर लेता है, ऐसा क्यों? ये है उसका, जब यहाँ पे आता है ना नंबर आता है तो ये दिक्कत करता है। अच्छा तो इस केस में हमें हमें मैनुअली जाके जो है ये मंथ, मंथ सॉरी फिर से मैंने गलत, इसको टेक्स्ट करना पड़ता है शायद, इसको शायद टेक्स्ट करना पड़ता है तो ये ठीक होता है। डिलीट दैट फ्रॉम चार्ट एंड ऐड कैटेगरी फील्ड, नहीं सॉरी इसको फिर से ऐड करना, इसको ऐड कर दीजिए और यहाँ पे जाके सेलेक्ट डाटा में एक कैटेगरी में इसको जाके इसको ले लीजिए। आया नहीं है जी? आएगा क्यों नहीं भाई, इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पर गया और सेलेक्ट डाटा में एडिट, दिखा क्यों रहा भाई, मैंने पहले उसको डिलीट, अच्छा इसको मैंने डिलीट कर दिया तो इसको डिलीट करके और यहाँ पर जाके इसको, अब आ गया। तो जब आता है ना नंबर आता है, ये पहला फील्ड जब नंबर आता है तो ये दिक्कत करता है, तो हमें इसके लिए फिर मैनुअली करना पड़ता है। अच्छा ठीक है जब ये फील्ड नंबर आए तो, जी अदरवाइज ठीक है। टिक मार्क वाला हमने बता ही दिया आपको, तो इस टाइप से है। एक ये चार्ट का एलिमेंट होता है, आज के लिए इतना रखें क्या? हाँ जी हाँ, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो लेकिन चार्ट में हमारा मैन है जो हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं क्या क्या होता है, बाकी हमारा डाटा ठीक होना चाहिए और फॉर्मेटिंग तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे या करेंगे वैसे दिखेगा, तो फिर बिल्कुल अपने जिसकी जितनी वो होती है ना माइंड, मैंने क्या कहते हैं उसको क्रिएटिव, जी उस हिसाब से बना देता है, लेकिन मैन तो हमारा होता है डाटा ठीक है। मेरे मेरे काम था, मेरे काम के लिए काफी है ये। हाँ, लेकिन थोड़ा इतना आप बताते हो ना मेरे काम के लिए वो एकदम ठीक है, क्योंकि मैंने स्पेशलाइजेशन तो करना नहीं है। हाँ हाँ आपके लिए स्पेस ऐसे, हाँ लेकिन लोग करते हैं तो फिर जो उस लाइन में रहेगा वो तो करेगा जो उस हिसाब से चार्ट बनाता है। अभी एक मेरे साथ जो बंदा काम करता है बिना, यहाँ उसका कुछ काम है, हमारा काम कुछ और है, लेकिन जो इससे पहले अच्छा। वो बजाज अलायंस में था जी। तो उसको फोर्ड जो गाड़ी है ना उसका प्रोजेक्ट मिला हुआ था, तो उसका बहुत चार्ट का बहुत होता था, तो वो मुझे बताता रहता था कि ये चार्ट बनाते ऐसे करते ऐसे करते, वो चीज यहाँ पे नहीं है उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए गेम तो सारा वही है, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही अच्छा आएगा। हाँ 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 क्योंकि प्रॉब्लम आएगी और प्रॉब्लम का सलूशन आएगा। हाँ सलूशन ये तो है, इशू है ये तो चीज। हाँ तो वो तो चीजें फर्क तो पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो मॉर्निंग में मैं एक बंदे को पढ़ाता हूँ, अब वो एचआर है ठीक है जी, अब एचआर तो है अब, लेकिन उसका सिस्टम में सब कुछ बना बनाया होगा तो अपने आप होता है, लेकिन अब जो बहुत सारे कैलकुलेशन है वो अब उसको आश्चर्य लगता है कि ये कैसे होता है। जी जी तो मैंने कहा भाई आप एचआर में हो तभी ऐसे लग रहा है, आपको तो बस बंदे को सामने बैठा कर क्वेश्चन पूछना है तो आपको तो कोई मुश्किल काम है नहीं है? सही बात है। लेकिन जब यहाँ पे आप नहीं, लेकिन अच्छा है, जितना मेरे मेरा समझना ये कि जितना आपको आ जाए उतना अच्छा है, मतलब इसका सीखने का कोई टाइमिंग नहीं है। हाँ बिल्कुल टाइमिंग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हाँ, जितना आपने मुझे सिखाया है वो मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को उस टाइम भी नहीं पता था जब मैंने 3 साल का कोर्स, जो कि कभी सोचा नहीं था कि नहीं एक्सेल को भी इतना डीप समझने की जरूरत है। नहीं अरे सर लेकिन आज, मैं हाँ लेकिन आज आपकी जब सहायता से ये है कि आज समझ जाता हूँ कि हाँ ये क्या हो रहा बहुत है। कुछ, जब मैं स्टार्ट किया था, मैं एक बार रिकॉर्डिंग में, जब मैं कंपटेंट में था ना जी, तो एक मोहम्मद आफ्ताब था,